हाँ जी, डेबिट क्रेडिट इक्वल। हाँ जी, क्वेश्चंस बताएं। कल करवाए थे आपको 10.3 और 10.5। ठीक हो गए वो, और उसके बाद क्वेश्चन 15 था। अच्छा जी, रिवेल्यूशन सरप्लस का मूवमेंट, क्वेश्चन नंबर 15 का। ओपन करते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस थे क्वेश्चन बैंक के, वो आपने देख लिए, 10.1, 10.2, फिर उसके बाद ऑनवर्ड, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सही था सारा। चार्जिंग तो नहीं लगानी। आज देखेंगे, ले जनाब क्वेश्चन नंबर 15, और कह रहे हैं 15 के सोल्यूशन से करा लें। सोल्यूशन से कराना तो मसला ही कोई नहीं है, ये देखें आप, अभी सोल्यूशन से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। हाँ जी, ये ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स का जो स्केड्यूल बना हुआ है, स्प्रिंग 2019 में कोई क्वेश्चन आया था ये 38 से। स्प्रिंग का जो पेपर है ना, वो हम देखेंगे रिजल्ट के बाद, जब रिजल्ट आ जाएगा ना, उसके बाद फिर उस पेपर को देखेंगे भी, उसके जो सवाल होंगे रेलेवेंट टॉपिक्स के वो भी कर लेंगे। ठीक है, शायद शुरू की क्लासेस हैं इसलिए, लेकिन पता नहीं, एक प्रॉपर मटेरियल नहीं बन रहा रिवाइज करने के लिए, स्कैटर्ड है इंफॉर्मेशन सारी। मैंने एक दरख्वास्त पेश की थी शुरू में, अगर कहें तो लिख के अपलोड कर देता हूं, कि मुद्दबाना गुजारिश है जनाबे अली, मुद्दबाना गुजारिश है कि आप हर टॉपिक के पॉइंट्स की समरी बनाएं, दो तीन पेजेस लगा करेंगे, ठीक है, और वो पॉइंट्स आप चाहे तो इंग्लिश में लिखें, चाहे तो उर्दू में लिखें, चाहे तो पंजाबी में लिखें, चाहे पश्तो में लिखें, जैसे भी लिखें, अपने लिए लिख रहे हैं तो लिखें, और साथ उसके क्वेश्चन का रेफरेंस भी लिखें, क्योंकि बाद अब हम पॉइंट लिख लेते हैं, खुद ही नहीं पता लगता लिखा क्या है, साथ क्वेश्चन का रेफरेंस लिखा हो, जब क्वेश्चन का रेफरेंस भी साथ लिखा होगा तो उससे क्या होगा, आप पॉइंट पढ़ेंगे, समझ नहीं आया क्या पॉइंट है, कोई बात नहीं, सवाल निकाला, अच्छा ये पॉइंट था, इसकी ऐसी की तैसी, ठीक है, तो ये काम करेंगे तो अकाउंटिंग कंट्रोल में आ जाएगी, और अगर ये काम नहीं करेंगे तो पहली दफा रिवाइज करेंगे फिर भी चीजें इधर उधर स्कैटर रहेंगी, दूसरी दफा करेंगे शायद फिर भी इतनी अच्छी कंट्रोल में ना आए, लेकिन अगर पहली दफा पढ़ते हुए ये काम कर लें तो मेरा ख्याल है उससे अफाका होता है। जिन लोगों ने किया ना, वो बताते हैं कि इसका फायदा है, तो आप भी करके देखें।
अब नया टॉपिक शुरू होगा ना, सात आंसू के पॉइंट बनाते हैं, फिर आप देखिएगा किसका फायदा होता है कि नहीं होता। तो ये काम कर लेंगे तो होपफुली इंशाल्लाह जो है ना वो फिर, क्योंकि होता ही हम पॉइंट पढ़ते जाते हैं, सवाल करते जाते हैं, फिर प्रॉब्लम कब होती, जब हम टॉपिक खत्म हो जाए बैठ के सोचते हैं कि दफा किस टॉपिक में क्या था कैसे था, वो सारी चीजें आपस में किचमिच हो जाती हैं, गुंजल पड़ जाते हैं, समझ ही नहीं आती क्या था क्या नहीं था। तो वही अगर पहले से पॉइंट्स लिखे हों और उनको बैठ के बंदा देखे तो उसका फायदा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में तो ये एक ही तरीका है अकाउंटिंग को अपने कंट्रोल में रखने का। सही हो गया। तो पॉइंट जो कोई होते हैं मैं छोटे मोटे बीच में लिखवा देता हूँ, छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, तो जो कोई आप नई बात सुना करें उसको फौरन लिख लिया और बाद में उसको जाके समरी में डाल दिया, तो बस वो जो समरी होगी, वो कहते हैं ना दरिया को कूजे में बंद करना, तो बस वो एक कूजा है आपका, दरिया तो फिर बहता चला जाता है, पानी उसका बहता जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा पानी को किधर से पकड़ूं किधर से कंट्रोल करूं। कूजा, हाँ जी कूजा होता है, इसका मतलब है आपकी उर्दू जो है दरिया को कूजे में बंद करना। दरिया को कूजे में बंद करने के लिए पहले जरा मैं थोड़ा सा जो है वो इनको पक्का कर लूं, क्योंकि ये कच्चे धागे हैं, ये टूट जाएंगे, कच्ची डोरी, तो इसलिए जो है इनको थोड़ा पक्की डोरियों में बदल लेते हैं, फिर कूजे में बंद करता हूँ। चूजा नहीं हो, कूजा होता चूजे का भाई है वो। चल खरबूजा दरिया को कूजे में बंद करना, ये एक मुहावरा है, ठीक है जी, दरिया को कूजे में बंद करना। तो होता है कि इतनी सारी चीजें हो, इतना बड़ा टॉपिक हो, तो आप उसको समरी बना के अपने कंट्रोल में ले आए, उसका जिस्ट जो होता है ना, बेसिकली जिस्ट, ये दरिया को कूजे में बंद करना होता है जिस्ट, समरी, ठीक है। और ये इस कॉन्टेक्स्ट में भी यूज होता है कि कोई बहुत लंबी चौड़ी बात हो उसको बंदा दो लाइनों में बयान कर दे, तो उसे कहते हैं दरिया को कूजे में बंद कर देना। अच्छा जी, अब लोग बातें कर रहे हैं, अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, अपने अपने नाम बता रहे हैं, मसलन कोई बता रहा है मैं खरबूजा हूं, ठीक है, कोई बता रहा है मैं लोटा हूं। अच्छा जी, एक सवाल है, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। उमर फूसा ने प्राइवेट में भेजा है, ओपन भेजते तो सबको पता लग जाता, उन्होंने कहा सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं, तो उमर साहब बताना चाह रहे हैं कि उनको उर्दू बोलनी आती है। निशानियां कहती है उर्दू वैसे अकाउंटिंग से टफ है, शुक्र करें आप अंग्रेजी में है अकाउंटिंग, उर्दू में होती तो फिर कैसे जो है वो पता लगता। हाँ जी, इफ्तिखार साहब ने कहा प्याला, कुजे का मतलब शायद प्याला होगा, चलें ठीक हो गया, कुजा ना वो जैसे प्याला नहीं होता, इसी तरह का वो कुजा एक छोटी सी चीज होती है। तो उर्दू की राइटिंग अच्छी है तो उर्दू में पढ़ाना शुरू कर दूं। अफनान साहब कहते हैं लोटे में बंद नहीं हो सकता क्या। अच्छा जी, इसका मैं क्या जवाब दूं, आप हर चीज को लोटे में ही बंद करते। अच्छा जी, चले खैर ठीक हो गई। हाँ जी, उर्दू में होती तो सज्जात क्रेडिट, खब्बाहत डेबिट। खैर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो ये हो गया, स्केड्यूल बन गया, उसके बाद जो है इसमें मूवमेंट इन रिवॉल्यूशन सरप्लस बना हुआ है,
लॉजिक, कहते हैं ये समझा दें, ये लें जी, ये 30 लिखा हुआ है, उसके बाद ये रिवेल्यूशन ड्यूरिंग द ईयर, इसको जमा कर दें, और ये इस पे ब्रैकेट डली हुई है 3 पे, इसको माइनस कर दें, कैलकुलेटर पकड़ें, उसमें लिखें 30 और फिर जो है उसमें जमा करें 55 और फिर माइनस करें 3, इक्वल टू का बटन दबाएं, तो मेरा ख्याल 82 आ जाएगा। ये लें जी, समझा दिया। तो मसला क्या था? यही पूछा था बस। किसने पूछा था? उन्होंने कहा था सोल्यूशन से समझा दें, मैंने समझा दिया। 30 रिवैल्यूएशन ड्यूरिंग द ईयर जो हो वो जमा करते हैं, जमा कर दी, और फिर जो रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर करते हैं या एडजस्ट हो जाए सरप्लस तो उसे माइनस करते हैं, वो माइनस कर दिया, 30 जमा 55 85 माइनस 3 82 आ गया। ठीक है, आपने कहा सोल्यूशन से बता दें, मैंने बता दिया, अब सोल्यूशन बना के बताऊं। हाय, 55 और 3 जो है वो 55 लेस नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताएं रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुई या डाउनवर्ड हुई? हाँ जी, रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुई या डाउनवर्ड हुई है ये बता दें। अपवर्ड हुई है, तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगी तो उसको ऐड ही करेंगे, वो माइनस तो नहीं होगा। ठीक है, और ओपनिंग बैलेंस जो आ रहा है 30, वो जाहिर है उसकी लाइफ बाकी पड़ी होगी 10 साल, तो उसको 10 पे डिवाइड किया तो 3 आ गया, जो 3 आपने डेप्रिसिएशन एक्सेस लगाई होगी, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, वो इसी तरह करते हैं, जो सरप्लस पड़ा उसको रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड कर देते हैं। बता दें, सवाल निकाल लूं, अब सवाल भी देखना पड़ेगा फिर। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 15। हाँ जी, कौन सा एसेट था जिसकी रिवैल्यूएशन हुई है? हाँ जी, किधर है बताएं? ये ओपनिंग का तो ये बताया हुआ है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ ऑल इंटेंजिबल एसेट्स वाज 10 ईयर्स ओपनिंग डेट पे। सही हो गया। और उसके बाद जो है ये बताया हुआ, फेयर वैल्यू ऑफ लाइसेंस वाज असेस्ड एट ₹350 मिलियन 30 जून 2018 क्लोजिंग डेट पे। तो क्लोजिंग डेट पे जो है वो आपका लाइसेंस जो है वो रीवैल्यू हो रहा है, तो लाइसेंस की जो है वो आप क्लोजिंग फिगर देखें कितनी आ रही है। ठीक है, चेक करें कितनी आ रही है अमाउंट, वो जाहिर है अगर उसमें जो है वो आ रहा है कितना 55, तो इसका मतलब है 295 आपकी जो है वो बुक वैल्यू आ रही होगी लाइसेंस की, चेक करें, यही बनती है। हाँ जी, 30 जून 2017 को रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ एएल लाइसेंस एंड रिलेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस वाज ₹450 मिलियन एंड 30 मिलियन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 450 मिलियन एंड 30 मिलियन रिस्पेक्टिवली, 450 मिलियन जो है वो उसकी रिवैल्यूड अमाउंट है 30 जून 2017 को, और 30 मिलियन जो है वो उसका सरप्लस पड़ा हुआ है। और इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है?
हाँ जी, इसकी कैलकुलेशन करते हैं फिर। 450 मिलियन, स्टार्ट पे एक एक सात सत्रह, एक सात सत्रह रीवैल्यूड अमाउंट, वो है 450 मिलियन की। इस पे मोटाइजेशन चार्ज करें, हाँ जी, इस पे मोटाइजेशन लगाएं, तो मोटाइजेशन जो है वो 10 ईयर्स लाइफ बताइए, या डिवाइड करें 10 से, तो ये आ गया 45। माइनस किया तो कितना बन गया, 405। ये बुक वैल्यू आ गई। ये बुक वैल्यू किस डेट पे आ रही है, 30/6/18 पे आ रही है, नेट बुक वैल्यू, राइट। और फिर बताया हुआ है कि 30 जून 2018 को लाइसेंस जो है उसकी फेयर वैल्यू हमने असेस की, वो कितनी है, 350 मिलियन की है फेयर वैल्यू। अच्छा जी, अच्छा एक बात और, रिवैल्यूएशन कब हो रही है, सारा सवाल देखते हैं जी, शुरू से पूरा सवाल पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, एप्पल लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू ग्रुप्स ग्रुप्स इंटेंजिबल एसेट्स। हाँ जी, 30 जून का ये दे दिया, उसके बाद जो है 1 जुलाई 2017, ये एक्वायर्ड एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ मैंगो लिमिटेड फॉर ₹1950, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स अपीयरिंग एट एक्विजिशन डेट आर गिवन बिलो। सॉफ्टवेयर है 200 का और अदर नेट एसेट्स हैं 1545 के। इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एमएल फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल, टिल एक्विजिशन डेट एमएल हैड इनकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ 80 मिलियन ऑन प्रोडक्ट एबीसी। एमएल हैड नॉट रिकग्नाइज दिस एज एन एसेट बिकॉज क्राइटेरिया फॉर रिकग्निशन ऑफ द इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट वॉज मेट ऑन 1 जुलाई 2017। ऑन दिस डेट ए एल एस्टिमेटेड दैट द फेयर वैल्यू ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट वॉज 95 मिलियन। हाँ जी, उसने नहीं रिकग्नाइज किया, कंडीशंस पूरी नहीं हो रही, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के लिए इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक्वायर किया, खरीदा, और इसकी फेयर वैल्यू है कितनी, 95 मिलियन की। ऑन एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू ऑफ एमएल्स कस्टमर लिस्ट वाज असेस्ड एट 20 मिलियन। कस्टमर लिस्ट उसकी बेशक इंटरनली हो, लेकिन हम एक्वायर कर रहे हैं तो हमारे लिए ये भी एसेट होगा, ठीक है। तो ये एक दो और दो ऊपर दिए हुए चार एसेट बन जाएंगे, सही हो गया। उसके बाद एमएल इनकर फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 टिल एबीसी लॉन्च डेट 1 मई 2018। अच्छा, इसको बाद में देखते हैं, गुडविल की कैलकुलेशन भी कर लेते हैं साथ ही। हाँ जी, परचेज प्राइस क्या है, परचेज प्राइस 1950, एसेट्स हैं जो हमने एक्वायर किए 200 का, सॉफ्टवेयर है, फिर अदर नेट एसेट्स हैं 1545 के, सॉफ्टवेयर, ये हमने फेयर वैल्यू लेनी है 200 का, अदर नेट एसेट्स वन फाइव फोर फाइव, उसके अलावा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो था 95 मिलियन, और फिर कस्टमर लिस्ट है 20 मिलियन की। ऐसे ही है ना, दो चीजें और 20 मिलियन का जमा कर दें इनको, 95 और 20 मिलियन, बिल्कुल सही हो गया, 1860। माइनस करें
तो गुडविल कितनी आ गई, 90, ये गुडविल आ गई। हाँ जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट 90 वाला क्यों लेना है, हम जो है वो खरीद रहे हैं। हम जो है वो बिजनेस खरीद रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए इंटरनली जनरेटेड है, वो लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, हम बिजनेस खरीद रहे हैं तो फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट्स, नेट एसेट्स, वो सारे हमने लिखने हैं। और उसकी मार्केट वैल्यू हमें पता चल गई कि 95 है, तो वो भी लिखेंगे। कस्टमर लिस्ट है, अभी मैंने कहा बेशक उनके लिए इंटरनली जनरेटेड हो, लेकिन हम बिजनेस खरीद रहे हैं, हम तो एक्वायर कर रहे हैं, तो हम तो इंटेंजिबल एसेट्स बाय कर रहे हैं। जाहिर हमने हर चीज के पैसे देने हैं, पैसे दे के हम खरीद रहे हैं, तो इसलिए हमारे लिए तो वो एक्वायर्ड एसेट्स हैं, इसलिए उनको रिकॉर्ड करेंगे। तो जी गुडविल आ गई 90 मिलियन की, चेक कर लें इतना ही है। सोल्यूशन भी जरा साथ साथ देखते जाते हैं, कोई गलती ना हो। ये गुडविल 90, ठीक हो गया, सारे एसेट्स लिए हुए। चलिए जी वापस चलते हैं सवाल पे। उसके बाद है कि उस पे हमने खर्चा किया मार्केट रिसर्च। अब हमने देखना है कि इसमें से जो है कौन सा जो है वो कैपिटलाइज होना है और कौन सा जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करना है। हाँ जी, मार्केट रिसर्च एक्सपेंस होगा, ठीक है, एक्सपेंस। प्रोडक्ट डिजाइन, यस, प्रोडक्ट डिजाइन की बात हो रही है, डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ पायलट प्लांट की मैंने कल बता दिया था। कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए नहीं है तो जाहिर है सारा इधर ही यूज हो गया। रिफाइनमेंट ऑफ प्रोडक्ट बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन, ये भी डेवलपमेंट कॉस्ट है। फिर ट्रेनिंग और प्रोडक्शन स्टाफ, ये एक्सपेंस होगा, ठीक है जी, ये एक्सपेंस होगा। उसके बाद जो है टेस्टिंग ऑफ प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स, ये एसेट है, डेवलपमेंट का पार्ट बनेगा। और फिर प्रोडक्शन एंड लॉन्चिंग ऑफ प्रोडक्ट, ये भी एक्सपेंस हो जाएगा। प्रोडक्ट लॉन्च की हमने, प्रोडक्शन, अब कमर्शियल प्रोडक्शन जाहिर है शुरू कर दी, तो ये सारा एक्सपेंस हो जाएगा, ये एसेट का पार्ट जो है वो नहीं बनेगा। चार चीजें हो गई है, ये चारों जो है ये डेवलपमेंट कॉस्ट में ऐड हो जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद जो है 1 जुलाई 2017 को द फेयर वैल्यू ऑफ एएल्स ओन कस्टमर लिस्ट, हमारी अपनी कस्टमर लिस्ट, उसकी फेयर वैल्यू जो है वो 35 मिलियन है। बताएंगे इसको कैपिटलाइज करना है हमने, ये 35 मिलियन हमारी अपनी जो है वो कस्टमर लिस्ट है, एएल हम खुद है ना, और एमएल को हमने एक्वायर किया, तो इसने कैपिटलाइज नहीं होना क्योंकि ये हमारे लिए इंटरनली जनरेटेड है, इसको छोड़ दिया। उसके बाद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ उसने कहा इंटेंजिबल एसेट्स की 10 साल है, 10 साल पे हम अमोर्टाइज कर देंगे। और एक्विजिशन हम साल के पहले दिन में कर रहे थे, नेक्स्ट। ऑन 31 मार्च 2018 एमएल सोल्ड वन ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर फॉर 110 मिलियन। सॉफ्टवेयर ये था 100 रुपए का, 100 मिलियन का एक सॉफ्टवेयर था, क्योंकि उसने कहा कि 100 मिलियन ईच, तो 100 का एक सॉफ्टवेयर है, दो सॉफ्टवेयर थे, एक बेच दिया 110 मिलियन का, और बेचा कब है 31 मार्च को, तो इस पे 9 मंथ्स की अमोर्टाइजेशन लगाएंगे, 9/12 अमोर्टाइजेशन लगा के तो उसके बाद हम इसको बेचेंगे, ठीक है। तो 100 मिलियन पे 9/12 की मोटिवेशन लगाएंगे। आगे चलते हैं, ग्रुप फॉलोज द रिवेल्यूशन मॉडल फॉर लाइसेंसेज, वेयर एज कॉस्ट मॉडल इज यूज फॉर अदर इंटेंजिबल एसेट्स।
राइट हो गया और गुडविल हैज बीन इम्पेयर्ड बाय 20%। लो जी सवाल अब पूरा हो गया। अब चलते हैं सॉल्यूशन पे। हाँ जी ये क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ पे सारी चीजें देखते हैं हम। हाँ जी 450 ये बैलेंस आ गया ब्रॉड डाउन। उसके बाद जो है ये 45 की इसकी मोटाइजेशन हमने चार्ज की, अभी जो मैंने यहाँ पे की थी 45, ये 45 की हमने मोटाइजेशन लगा दी। ये हो गया 405, ये हो गया 405, और फिर उसको हम लेके जा रहे हैं कितने पे, 350 पे। तो ये डाउनवर्ड रिवेल्यूशन है, अपवर्ड नहीं है। फेयर वैल्यू क्या है 350, इसका मतलब है डाउनवर्ड रिवेल्यूशन है, अपवर्ड नहीं है। तो उसको सरप्लस को भी ठीक कर लेते हैं, डाउनवर्ड रिवेल्यूशन है ये 55 से डाउनवर्ड रिवेल्यूशन हो रही है। तो ये बिल्कुल माइनस होगा, ये उसमें जो है वो प्लस नहीं होगा। अच्छा जी वापस आ जाते हैं। तो ये 45 ये यहां से एडजस्ट किया। अब यहां पे आप देखें तो रिवैल्यूएशन में दो चीजें आएंगी, एक 45 आएगा और दूसरा 55 आएगा। तो टोटल मिला के 100 हो गया, और 350 का जो है वो हमारा एसेट है, उसकी फेयर वैल्यू है, तो 350 ये हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं डिस्पोजल। ये 200 था जो हमने एक्वायर किया और उसमें से 100 बेच दिया, माइनस कर दिया। अमोर्टाइजेशन जो है ये W2 में जाके देखते हैं लगी होगी यहाँ पे। W2 में अमोर्टाइजेशन, हाँ जी ये सॉफ्टवेयर की अमोर्टाइजेशन है। ये आप देखें तो ये जो पूरा साल हमारे पास रहा उस पर 10 लगा दी अमोर्टाइजेशन, और ये जो हमने 9 महीने के बाद बेच दिया उस पर 7.5 लग गया, टोटल हो गया 17.5। अब 17.5 फॉर द ईयर हो गया, और जो हम एडजस्ट करेंगे डिस्पोजल के टाइम पे एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन वो कितनी है, वो 7.5 है। ये 7.5 उड़ जाएगी क्योंकि एसेट उड़ गया एक, तो उसकी अमोर्टाइजेशन भी खत्म हो जाएगी। देख लेते हैं यहाँ पे ये 7.5 दोनों आ गई, और ये 7.5 जो है जो हमने 100 उड़ाया ऊपर ये वाला, उसकी अमोर्टाइजेशन 7.5 हमने उड़ा दी। चेक कीजिएगा ठीक हो गई बात। चले गुडविल 90 की गुडविल थी उसपे इंपेयरमेंट लग गया 18 का, और ये सिंपल है कस्टमर लिस्ट 20 का हमने रिकॉग्नाइज किया और 2 लग गया। ये तीनों एसेट वही हैं जो हमने बिजनेस कम्बिनेशन में गुडविल की कैलकुलेशन में लिखे, ये तीनों एसेट। चौथा था अदर नेट एसेट्स, वो जाहिर है टेंजिबल होंगे, वो इनटेंजिबल नहीं होंगे, होते तो बताया होता। चेक कर लीजिएगा सही हो गया। उसके बाद हम डेवलपमेंट कॉस्ट की बात कर रहे थे, तो ये आप चेक कर लें डेवलपमेंट कॉस्ट इतनी ही बन रही है 70, और ये 95 वो है जो हमने एक्वायर किया, और 75 वो चार आइटम्स को ऐड करके। एडजस्टमेंट का मतलब रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करना, किस चीज की एडजस्टमेंट? यहां पे जो एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन की, अमोर्टाइजेशन की, उस एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि अमोर्टाइजेशन हम या तो रीवैल्यूएशन के टाइम पे एसेट के अगेंस्ट एडजस्ट कर रहे हैं, जैसे ये लिखा हुआ 45, ठीक है अलग लिख दिया यहां पे, या हम क्या कर रहे हैं उसको डिस्पोजल अकाउंट में भेज रहे हैं। यहां पे एडजस्टमेंट का मतलब या तो ये है कि वो एसेट के अगेंस्ट एडजस्ट हो रहा है, जैसे ये ऊपर जाके हमने एडजस्ट कर दिया 45, या ये 7.5 जो कि हम किधर डाल देंगे, डिस्पोजल अकाउंट में डाल देंगे। तो एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन में एडजस्टमेंट का मतलब जो है वो ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग,
नहीं होता। क्लियर? बोलिए, सवाल तकरीबन पूरा हो गया। अगर फेयर वैल्यू ज्यादा हो और हमने कम पैसों पे एक्वायर किया हो तब क्या करेंगे? अच्छा, ठीक हो गया, ये भी बता देता हूँ। और पीछे क्या था? बस और कोई सवाल नहीं था, ये भी बताता हूँ। क्वेश्चन करने के बाद अली अली शौजब, आपने जो सवाल पूछा, ये क्वेश्चन एक दफा हम कंप्लीट कर लें, उसका जवाब देता हूँ। अभी फौरन भी बताया जा सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो ये जो 70 है, ये वाला 70, इसको चेक करते हैं कि ये वो जो चार अमाउंट्स हमने डिस्कस की थी अभी, ये देखिएगा, ये वही है। 12 आ गया, 48 आ गया, प्रोडक्ट रिफाइनमेंट आ गया, टेस्टिंग आ गया। तो ये चार अमाउंट्स हमने कहा था कि उस पर हमने डेवलपमेंट पे फर्दर इंकर किया, जो कैपिटलाइज करना है। तो इनको जो है वो हमने एडिशन में डाल दिया, और 95 वो है जो कि हमने ये यहां पे एक्वायर किया था। ठीक बात हो गई। और फिर ये 165 पे मोर्टाइजेशन, सिर्फ 2 महीनों की मोर्टाइजेशन, क्योंकि सवाल में कहा हुआ था कि 1 मई 2018 को, ऐसा ही कहा ना, 1 मई 2018 को जो है वो लॉन्चिंग डेट है। तो 1 मई 2018 से जो है वो हमने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, उस वक्त हमारी डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई, तो 2 महीने की हमने मोर्टाइजेशन लगा दी। राइट बात? लीजिए, ये सरप्लस गलत बना हुआ है, ये मैं आपको बना देता हूं। क्वेश्चन सारा डिस्कस हो गया, चेक कर लीजिए, कोई पॉइंट रहता है तो बता दीजिए। और रीवैल्यूएशन सरप्लस की मूवमेंट किस तरह बनेगी? रीवैल्यूएशन सरप्लस ब्रॉड डाउन आ जाएगा 30, और फिर ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग आ जाएगा 3, जो कि हमने मोटिवेशन चार्ज की, तो 3 जो है वो हमने ट्रांसफर कर दिया 30/10 करके। ठीक है जी। और उसके बाद बाकी क्या होगा? एडजस्टेड, जो डाउनवर्ड के अगेंस्ट एडजस्ट हो गया, वो कितना बच गया? 27 बच गया, तो 27 वो भी एडजस्ट हो गया, तो कैरी डाउन बैलेंस क्या आएगा? वो आ जाएगा नील, कैरी डाउन, ये मूवमेंट बनेगी। ठीक है, वैसे 55 डाउन जा रहा था एसेट, 27 इधर एडजस्ट हो गया, और बाकी 28 जो क्या होगा वो रिवेल्यूशन लॉस हो जाएगा, वो रिवेल्यूशन लॉस होगा जो कि एसओसीआई में जाना है, तो यहां भी उसका कोई कंसर्न नहीं। ठीक है, एसेट टोटल जो है वो 55 डाउनवर्ड जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सरप्लस बच गया वो बचा 30 में से 3 ट्रांसफर करने के बाद 27 बच गया, तो 27 हम सरप्लस उड़ा देंगे और बाकी जो है वो एसओसीआई में रिवेल्यूशन लॉस चला जाएगा 55 में से 55 में से। जी मोहतरम, चेक कर लें और बता दें, रीवैल्यूएशन लॉस 25 नहीं है? हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, रीवैल्यूएशन सरप्लस 36 पे, 36/18 पे रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 3 से, और रिटेन अर्निंग क्रेडिट कितने से? 3 से। ठीक है, टोटल था हमारे पास 30, उसमें से 3 हमने भेज दिया इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, ये काम तो पहले हो गया ना, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के इक्वल अमाउंट जो है वो हमने रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दी। फिर इसी डेट पे डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रही है, इसी डेट पे डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रही है, एसेट जो है वो कितने से डाउन जा रहा है? पहले जो है वो हम एंट्री करेंगे क्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट, और लेसेंस को करेंगे क्रेडिट 45 से, ये हमने कर दिया ऑल रुपीज इन मिलियन। ठीक है,
सारे के सारे रुपीज जो हैं वो मिलियन में हैं। और फिर उसके बाद जो डाउनवर्ड रिवोल्यूशन है उसकी एंट्री क्या होगी, लाइसेंस से एक दफा फिर से क्रेडिट हो जाएगा। कितने से क्रेडिट हो जाएगा, 55 से। हमारे पास सरप्लस जो है वो था तो 30, लेकिन उसमें से 3 तो हम उड़ा चुके, बाकी रह गया 27। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस को 27 से डेबिट करेंगे, और डेबिट करने के बाद बाकी जो बच जाएगा वो रिवैल्यूएशन लॉस होगा, जो कि SOCI में चला जाएगा, और वो बचेगा 28, वो बचेगा 28। आप बता दीजिए। जी क्लियर हो गया, क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपके सामने, सारा रिवेल्यूशन सरप्लस का मैंने बना दिया, देख लीजिए, बता लीजिए। हाँ जी, पूछ रहे हैं कि सोल्यूशन में रिवेल्यूशन सरप्लस वाला पोर्शन काट दें। हाँ जी, उसको क्या करें, जो रिवेल्यूशन सरप्लस का पोर्शन है उसकी जगह पे आप सिर्फ एक ना काटें, अगर आपने काटना ही है तो फिर दो दफा काटें, ठीक है जी, फिर आप दो दफा काटें। एक दफा काटने से फाका नहीं होगा, दो दफा काटेंगे तो असर गहरा होगा। फिर आप इसको काटें, उसको ना काटें बल्कि इसको काटें, और इसको काट के उसके ऊपर पेस्ट कर दें जाके, ये देखें ये कट गया, और यहां पे आके इस जगह पे आप उसको पेस्ट कर दें, सही है जी। हाँ जी मोहसिन साहब, आप हमारे मोहसिन बने और उधर से काट के यहां पे लगा दे, सही हो गया। जाहिर है वो गलत था, किसी ने बताया था, और जिस किसी ने भी बताया उसने बहुत अच्छा बताया, ठीक है जी। तो ये था गलत, तो सही वाला जो है वो मैंने बना दिया। हाँ जी, यहां पे लिख देते हैं गलत, ये गलत है, और इसकी जगह पे ये जो है सही, राइट हो गया जी। चलो आगे चलते हैं, बल्कि पीछे चलते हैं। एक सवाल पूछा था, किन्होंने पूछा था, अली शोजर साहब ने पूछा था, उन्होंने कहा कि अगर क्या हो, हम जो है वो कोई बिजनेस खरीदें, उसकी परचेज प्राइस हो कितनी, उसकी परचेज प्राइस है 500 रुपया, थोड़ा नहीं है, इन मिलियन कर देते हैं, ठीक है, अगर थोड़ा लगे तो इन बिलियन भी लिख सकते हैं। और उसके जो एसेट्स हमने लिए उनकी फेयर वैल्यू क्या थी, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स वो थी ज्यादा, 540 रुपये। तो अब बताएं ये जो 40 है ये क्या हुआ, माइनस किया, आंसर नेगेटिव आया, तो ये क्या हुआ। हाँ जी, ये क्या चीज है, बोल लें जी, ये नेगेटिव गुडविल है, इसको कहते हैं नेगेटिव गुडविल, इसको कहते हैं नेगेटिव गुडविल। नहीं, हमने ये नहीं कहना बैडविल है गुडविल ही, लेकिन उसे कहना ये नेगेटिव गुडविल है, नेगेटिव गुडविल, जरा पॉजिटिव सेंस में चले ना, नेगेटिव गुडविल है। और इस नेगेटिव गुडविल को क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये हमें इनकम हो गई, ये हमें क्या हो गया, ये हमें प्रॉफिट हो गया, फायदा हो गया, हमने 540 जो था उसको 500 में खरीद लिया, तो हमने 40 मिलियन का बेनिफिट उठा लिया, सही हो गई बात। चलें, तो ये इनकम होती है, तो इसने प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाना है, इसने एसओसीआई में शिफ्ट हो जाना है, तो इसका मतलब हुआ इसका इंटेंजिबल एसेट से कोई ताल्लुक नहीं है, कंसोलिडेशन में जाके गुडविल निकाला करेंगे, वहां पे नेगेटिव भी निकलेगी, फिर उसको लिख लिया करेंगे, कैसे लिखना है। फिलहाल आपने सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब बता दिया।
लो जी, नया टॉपिक शुरू करते हैं, वो है लीज का। हाँ जी, आज तारीख है 16 अप्रैल, ऐसे ही है ना? जी हाँ, नहीं होना चाहिए ना ऐसे। अच्छा जी, हाँ जी, लीजिस का टॉपिक है। IS-38 हमने पढ़ा, मैंने आपसे कहा स्टडी टेक्स से पढ़ लें। जो लीजिस है ना, वो स्टडी टेक्स से नहीं पढ़ना, वो पढ़ना है किससे? वो टैग के नोट्स से पढ़ना है। किताब नहीं आई अभी तो, लेकिन इसके जो नोट्स हैं ना, थ्योरेटिकल नोट्स भी पैक के, वो LMS पे दिखे जरा, कोई अपलोड हुआ है कि नहीं? शायद कुछ अपलोड हो गए हो अभी तक। हाँ जी, LMS पे जो है वो IFRS 16 के कुछ नोट्स आए हैं, कुछ अपलोड हुआ है बस, ठीक है। वो सारा जो है ना, वो चैप्टर पूरे का पूरा थ्योरेटिकल प्लस क्वेश्चंस प्लस आंसर्स, वो सारा कुछ जो है ना, वो LMS पे मैंने दे दिया कि अपलोड कर दें, ठीक है? तो वो होपफुली कर दिया होगा अभी तक। हाँ जी, बाकी लोगों ने देखा है कि नहीं है? कितने पेजेस हैं? हाँ जी, मैं इधर ओपन भी कर लेता हूँ, तो क्योंकि एक्चुअली आई कैप का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा कुछ सवाल, लेकिन उसके सोल्यूशन हम अपने बनाएंगे। आई कैप के सोल्यूशंस को जो है वो हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा इशू है इसमें। वो ये है कि IS-16 था पहले, तो वो IS-17, सॉरी, IS-17 था पहले, तो वो IS-17 की कुछ चीजें अभी तक ना किताब में चल रही हैं, वो अपडेट नहीं हुई हैं इसमें, ये जो स्टडी टैक्स आई कैप का। और क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन जो है वो भी इसी तरह है, वहां भी इसी तरह जो है ना, वो कुछ चीजें पुरानी चल रही हैं, तो इसलिए हमें वहां से इतना फायदा नहीं होगा। तो हम जो है ना, वो अपनी जो किताब है ना, वहां से कुछ चीजें सही भी दी हुई हैं, ये नहीं कि सारा कुछ गलत है, तो कुछ चीजें पुरानी हैं, कुछ नई हैं, तो मिल मिला के, तो यहां से कुछ चीज करनी होगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो इसलिए हम प्रेफर करेंगे कि हम जो है वो अपनी किताब जो है पैक की, वहां से जो है सारा कुछ करें। अच्छा जी, अली शोधर साहब ने बताया 52 पेजेस हैं, इसका मतलब है सारा अपलोड हो गया, क्वेश्चन भी हो गए, आंसर भी हो गया, थ्रेटिकल भी हो गया। चलें, जबरदस्त है, PDF फाइल है।
हाँ जी, जो अपलोड हुआ वो पीडीएफ फाइल है या कुछ और है? अलग अलग पेजेस है, फिजिकल बुक है? अच्छा चलो, जो भी है, स्क्रीनशॉट्स हैं वो, वॉट एवर इट इज, पुरानी वो? नहीं नहीं पुरानी नहीं है किताब, नई किताब, पुरानी किताब से नहीं करना, ठीक है? पुरानी किताब में भी जो दिया था वो ठीक ही था, लेकिन हमने पुरानी किताब से नहीं करना, पैक की किताब की बात कर रहा हूँ, नई किताब से करेंगे, और जो आपको पेजेस मिले हैं वो नई किताब के मिले हैं। हाँ, जब तक नहीं आ जाती वो आप यूज कर सकते हैं। एक्चुअली पहले जो लीज का टॉपिक था ना, वो उसमें ज्यादा चीजें थी, अब उन्होंने उसमें से कुछ चीजें निकाल दी हैं, तो थोड़ा आसान हो गया हमारे लिए, ठीक है? तो जितनी चीजें हम पढ़ेंगे वो पुरानी किताब के मुताबिक, पैक की पुरानी किताब के मुताबिक, जो कि कौन सा एडिशन है, 19th एडिशन है, तो वो बिल्कुल सही होगा, गलत कुछ भी नहीं होगा उसमें। लेकिन यह कि कुछ क्वेश्चन निकाल दिए हैं, सवाल कम हो गए हैं, और थ्योरी भी उसी हिसाब से कम हो गई है, जो सिलेबस में उन्होंने चीजें कुछ खत्म की तो वो इसमें से माइनस कर दिए। अच्छा जी, बात हम करते हैं लीज की, कि लीज क्या है। वैसे मैंने चैप्टर ही ओपन कर लिया, नया पेज ओपन करते हैं। लीज, IFRS 16, बुक कब आएगी पैक की? ओ सॉरी, आएगी नहीं, अफनान साहब ने कहा है बुक कब आएगा पैक का। अफनान साहब जल्दी आ जाएगा, नहीं आ जाएगी, आपने गा कह दिया ना, तो हो सकता है अब जो है वो किताब ना आए, वो नाराज हो जाए, तो आपने कहना था किताब कब आएगी ना। चलें खैर है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप ना वो बस रोजाना पूछा करें किताब से कि कब आएगी, तू चली आ चली आ, तो कभी तो आ ही जाएगी ना फिर। अच्छा जी, मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कब आएगी, लेकिन ये है कि जब वो किताब नजर आएगा तो मैं आपको फौरन बताएगी कि किताब आ गया है, ठीक है? तो मैं बता दूंगी, फिक्र ना करें आप। चलिए चलते, IFRS 16 लीजेस। ठीक है अफनान साहब, खुश हो गया, खुश हो गई आपके, नहीं हुई है बता दे मुझे। अच्छा जी, लीजेस, राइट जी। तो वैसे किताब में भी कुछ देर है, वो इसलिए मैंने, जब तक नहीं आती आप परेशान ना हो, आपको ये सॉफ्ट कॉपी मिलती रहेगी, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि किताब जल्दी आएगी। सिलेबस थोड़े चेंज हुए हैं ना, इससे थोड़ा टाइम लग गया उस पर। अच्छा जी, शुक्र है अल्लाह का, अफनान खान, अफनान खान मरवत साहिबा ने कहा है कि बहुत खुश हो गई है वो, वेरी गुड जी, एक्सीलेंट। तो आपको खुशी करना था जी, मैंने लीज क्या होता है बताइए। हाँ जी, लीज क्या होता है, आज इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लीज का आपको बताता हूं। हाँ जी बताएं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है, शाबाश। और बताएं, और बताएं क्या होता है, लीज के बारे में आप क्या जानते हैं? हाँ जी, जस्ट लाइक हाउसेज ऑन लीज, और बता दें, थोड़ा आसान करके बता दें। इंस्टॉलमेंट्स को लीज कहते हैं, और बता दें, ट्रांसफर ऑन एसेट ऑफ एसेट विदाउट फुल पेमेंट को कहते हैं, हायर परचेज को कहते हैं। अच्छा जी, लीज क्या होता है, हमें चाहिए एक एसेट, अगर हम मशीनरी चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, वॉट एवर इट इज, तो अगर तो हम बैंक के पास जाएं लोन ले लें, तो हमने लोन ले लिया, पैसा ले लिया, उससे हम एसेट खरीद लें, एसेट हमारे अपने नाम पे होगा। हम जाएं बैंक से लोन लें, लोन लेके एसेट खरीद लें, तो लोन हमारी लाइबिलिटी है, हमने बैंक को पैसा वापस करना है, लेकिन एसेट हमारे नाम पे होगा। दूसरा क्या है कि हम जाएं, हमें लोन ना मिले, हमें लोन नहीं मिले, पैसा नहीं देता बैंक, बैंक ये लीजिंग कंपनी, वो कहते जी नहीं, आपने जो एसेट लेना उसकी बात करें, क्या है वो एसेट आप हमसे एक्वायर कर लें, हम आपको एसेट खरीद के दे देते हैं। उस केस में एसेट होता है बैंक के नाम पे, बैंक लीजिंग कंपनी, तो वो हमें पैसे नहीं देते, वो हमें एसेट, गाड़ी खरीद के हमें दे देंगे, बिल्डिंग खरीद के हमें दे देंगे, पैसे नहीं हमें देंगे। पैसे किसको देंगे, पैसे
पैसे डायरेक्ट उसको देंगे जिससे गाड़ी खरीदी, टोयोटा से गाड़ी खरीदी टोयोटा वालों को चेक दे देंगे, किसी से बिल्डिंग खरीदी तो जिससे बिल्डिंग खरीदी उसको चेक दे देंगे, आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसे कहते हैं लीज पे कोई एसेट खरीद लेना। बेसिकली क्या है, एसेट होता है हम एक्वायर्ड करते हैं लीज पे, एसेट इज एक्वायर्ड ऑन लीज, ठीक है, लीज पे एसेट हमने एक्वायर कर लिया। तो जो एसेट हम एक्वायर करते हैं, अच्छा दो पार्टीज होती हैं, एक होती है लेसी और दूसरा होता है लेसर। अभी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी देखते हैं। दो कैटेगरीज लिखकर बता दें, कौन सी दो कैटेगरीज जनाब? हाँ जी, कौन सी दो कैटेगरीज फरमा रहे हैं? लेसी होता है पार्टी हु एक्वायर्स एसेट ऑन लीज, लीज पे एसेट एक्वायर किया, और दूसरा जो है लेसर होता है जो कि एसेट प्रोवाइड करता है, हु प्रोवाइड्स एसेट ऑन लीज। लीज टर्म डिसाइड हो जाती है, ठीक है, लीज टर्म डिसाइड हो जाती है। जब लीज टर्म खत्म होगी फिर देखा जाएगा कि उस एसेट का क्या बनना है, फिलहाल हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है अभी। तो अब हमारी डिस्कशन जो है फिलहाल जो चलेगी वो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगी, लेसर को भी हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, लेसर को भी हम जो है वो नहीं छेड़ रहे। सिर्फ हमने देख लिया लेसर होता क्या है, अब हमारी जितनी भी डिस्कशन होगी वो सारी लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, लेसर की हम फिलहाल कोई बात नहीं करेंगे। सबसे पहले लेसी से निपटेंगे, हर तरह की बातें जो है लेसी के बारे में जो भी होंगी वो कर लेंगे। तो लेसी को पहले काबू करना है हमने, तो सबसे पहले लेसी को लम्मा पाना है, जब लेसी काबू आ गया तो फिर लेसर से भी निपट लेंगे, और अगर दोनों को पकड़ा तो फिर भावे वो सानू पढ़ के दो में लम्मा पा दें, तो इसलिए एक एक से जो है ना वो हम निपटेंगे। चलें जी बात करते हैं लेसी की। अब डिस्कशन जो भी होगी वो सिर्फ और सिर्फ लेसी की होगी, और उसके बाद फिर लेसर की भी सारी डिस्कशन हम कर रहे होंगे। जो एसेट हम लीज पे लेते हैं, लीज एसेट, उसको कहते हैं आरओयू एसेट, आरओयू एसेट, आरओयू होता है राइट ऑफ यूज। अभी मैंने बताया कि एसेट जो है वो किसके नाम पे होगा, लेसर के नाम पे होगा, ठीक है, एसेट जो है वो लेसर के नाम पे होगा, और जब टर्म खत्म होगी फिर देखा जाएगा वो एसेट लेसी को मिलना है कि नहीं मिलना, वो बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल उसे कहेंगे राइट ऑफ यूज एसेट। कि ऑनरशिप जो है वो किसके पास है, ऑनरशिप जो है वो किसके पास है, लेसर के पास है, ठीक है, लेकिन यूज कौन कर रहा है, किसके यूज में है, लेसी के यूज में है। तो हमने लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अच्छा सबसे पहले ये बताएं कि ये एसेट तो लेसर का है लीगली, लीगल ऑनरशिप, पोजेशन किसकी है और यूज कौन कर रहा है, पोजेशन एंड इन यूज, इट इज इन द पोजेशन एंड इन द यूज ऑफ द लेसी, लेसी यूज कर रहा है, तो क्या लेसी इसको एसेट रिकॉर्ड करे कि ना करे। एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है जिसमें ये लीज की एग्जांपल दी जाती है, कौन सा कॉन्सेप्ट था वो? हाँ जी, हाँ जी, बैंक इज लेसर, लीजिंग कंपनी लेसर है, ये बैंक लेसर है, तो हम लेसर की कोई ज्यादा बातें नहीं कर रहे, हम लेसी का ही डिस्कस करेंगे जो भी करेंगे। तो क्या लेसी इस एसेट को, गाड़ी ले ली, मशीन ले ली, बिल्डिंग ले ली लीज पे, तो क्या इसको लेसी एसेट रिकॉर्ड करे? उसके लिए एक कॉन्सेप्ट था सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या है कि आप जो है वो लीगल रियलिटी, लीगल जो लीगैलिटी है, ठीक है जी, जो लीगैलिटी है उसको कंसिडर ना करें, इंस्टेड ऑफ लीगैलिटी यू शुड गो फॉर द रियलिटी, इकोनॉमिक रियलिटी क्या है, इकोनॉमिक रियलिटी क्या है।
तो इकोनॉमिक रियलिटी क्या है कि लेसी की ऑनरशिप में है एसेट, गाड़ी लेसी के पास है, लेसी जहां चाहना चाहे गाड़ी स्टार्ट करे चला जाए, ठीक है। लेसी जो है वो चाहे लाहौर में रहे, लाहौर से बाहर जाए, उसको पूछने की जरूरत नहीं है। गाड़ी की मेंटेनेंस लेसी ने करनी है, गाड़ी कहीं लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, नुकसान किसका है, लेसी का है। तो सारा कुछ लेसी का ही है, सिर्फ एक लीगल हर्डल है कि ऑनरशिप जो है, टाइटल जो है वो लेसर के पास है। तो अकाउंटिंग कहती है आप जो है वो लीगैलिटी पे मत जाएं, आप जो है वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म को देखते हुए एसेट रिकॉर्ड करें, किसकी किताबों में, लेसी की किताबों में। तो लेसी जब इसको एसेट रिकॉर्ड करेगा तो वो उसको ROU एसेट के नाम से लिखेगा, ठीक है। तो ये एसेट होगा फॉर लेसी, लेसर क्या करेगा वो देखी जाएगी बाद में। इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे, इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे, वो इंस्टॉलमेंट जो है उनको लीज में क्या कहेंगे, रेंटल, उनका नाम होता है रेंटल्स। जो इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, गाड़ी फर्ज करें 15 लाख की है, 5 साल के लिए लीज ले लिया, तो 5 साल में 15 लाख देंगे, थोड़े पैसे देंगे, ज्यादा पैसे देंगे। हाँ जी, जनरली एसेट जो होता है वो एंड पे लेसी को मिल जाता होता है। तो 5 साल में कितने पैसे देंगे बता दें। हाँ जी, ज्यादा पैसे देंगे, इंटरेस्ट भी होगा। इसका मतलब है रेंटल जो है उसके दो हिस्से होंगे, एक होगा प्रिंसिपल, इंस्टॉलमेंट जो है रेंटल जो है उसको स्प्लिट करेंगे, उसमें एक होगा प्रिंसिपल और दूसरा होगा इंटरेस्ट, दो चीजें होंगी, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। प्रिंसिपल जो है उसे कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, लीज में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। हाँ जी, ये कौन सा है जो माइक ऑन करके बोल रहे हैं, किसी ने सवाल पूछना है तो वैसे बताएं। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट और इंटरेस्ट जो है, अच्छा इसके और भी नाम है प्रिंसिपल के, वो भी मैं लिख देता हूं। प्रिंसिपल जो है वो कैश प्राइस को भी कहते हैं, फेयर वैल्यू को भी कहते हैं,
हाँ जी जी तो इंटरेस्ट इसको कहते हैं फाइनेंस चार्ज। ठीक हो गया। जो पीरियड ऑफ लीज है उसे कहते हैं लीज टर्म। लीज टर्म इंटरेस्ट रेट, इसमें जो इंटरेस्ट हम दे रहे होंगे उस इंटरेस्ट रेट को कहते हैं इम्प्लिसिट रेट। ये टर्मिनोलॉजीज नोट कर लें, ये सवाल हम करेंगे ना तो ये हमें फायदा देंगी। इम्प्लिसिट रेट जी, फाइनेंस चार्ज मार्कअप भी कहते हैं इसको। फाइनेंस चार्ज भी इसका नाम है और मार्कअप भी इसका नाम है। प्रिंसिपल को फेयर वैल्यू, कैश प्राइस, प्रिंसिपल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, ये सारे इसके नाम थे। अच्छा जी, लीज की डेफिनेशन, ए कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वेज द राइट टू यूज एन एसेट। ठीक है, राइट टू यूज एन एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। लेसर जो है वो लेसी को एसेट प्रोवाइड कर देगा और फिर लेसी जो है वो क्या करेगा, वो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ पेमेंट्स करता रहेगा, उसके अगेंस्ट पैसे देता रहेगा और उन्हें कहते हैं रेंटल्स। अच्छा जी, उसके बाद जो है मैं एक मिनट ओपन कर लूं, जरा पैक के नोट्स ओपन कर लूं, एक मिनट थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, मैं जरा नोट्स ओपन कर लूं। Thank you.